हॉस्टल के पीछे साइड आ गए, कायकिंग करती है पब्लिक, फिर वो हॉस्टल दिखा के अभी हम सिटी सेंटर में आ गए हैं। अच्छा ये तुम लोग का राटा हाउस है क्या? पानी वाला जगह था, उसके बाद अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं जो पीछे। ओके गाइस चलो बाय बाय, टेक केयर बॉस। सो अभी हम आ गए कैंपस से हॉस्टल पे, क्या नाम है इसका? स्टाइनवे। अरे भाई ये इसको देखो, जान निकल गई उसकी। यहाँ पर कितने शेयरिंग, क्या अपार्टमेंट का सेटअप है इधर? देयर आर सम स्टूडियो अपार्टमेंट्स और कुछ जो है टू शेयरिंग है, कुछ फोर शेयरिंग है, एंड मोस्टली आई थिंक हियर मोर देन 500 स्टूडेंट्स लिव हियर। वाओ, और जो कैंपस पे था उसका नाम क्या था? ड्यूके कार्ड। और उसमें कितने होंगे बस स्टूडेंट? उसमें भी अराउंड उतने ही है, 400-500, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है क्योंकि सब स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा, इधर कितनी बिल्डिंग है? यहाँ पे चार बिल्डिंग। ये मेन एंट्रेंस है चार बिल्डिंग का। यस, चल लेट्स गो। जैसे अभी ये जो आप देख रहे हो, हाँ, बड़ी खिड़की वाली, ये मोस्ट ऑफ देम आर द स्टूडियो अपार्टमेंट। ये जैसे आप देख रहे हो, हाँ, तो ये जैसे आपको समझ में आया कि जो सिंगल विंडो डबल विंडो है, हाँ, ये मोस्ट ऑफ देम आर 2 and 4 शेयरिंग। ओके, तो इधर सबका बिल्डिंग रूम नंबर लिखा हुआ है। यस। ओके, भाई गर्म है वेदर तो। ओह माय गॉड, एकदम अचानक से ठंड से गर्मी में आए तो। ये जो फर्स्ट सेकंड, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है देखो, 1 number 2 number, 11th, 3rd, 1 और 4th का एंट्रेंस ये रहा। हर एक का वहाँ पे आप देखोगे तो जूम करोगे तो वहाँ पे हर एक का बेल है, हाँ, हर एक का नाम है। थर्ड का दिखाते ना, थर्ड, हाँ। और इधर तुम लोग कैचअप करते हो कभी कभी? या लॉट। ओके, ये बैठने के लिए हमारा सही है यार, कितना मस्त बना रखा है यार, लाइक इंडोर्स है पूरा और एकदम वार्म है। मेन एंट्रेंस से जब आप आओगे आपको बिल्डिंग नंबर देखना पड़ेगा और फिर बाहर रूम नंबर्स के हिसाब से। हर हॉस्टल में ऑलमोस्ट ऐसे सिस्टम होता है, जैसे यू हैव बेल्स फॉर एवरी रूम, तो अगर कोई डिलीवरी करने आया तो वो दबाएगा तो या तो ही हैज टू लुक एट द नंबर, ही हैज टू लुक एट द नेम एंड नंबर हियर एंड यस। अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे नाम नंबर बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। अपन ऊपर जा रहे हैं रूम दिखाने के लिए, रूम दिखाते ना? हां यस, चल लेट्स गो। सो ये तेरा रूम है? अच्छा, इसका कितना बताया तू? 200 यूरो। वाओ यार, व्यू बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, वाओ वाइब देखो यार। और ये पूरा शेल्फ वेल्फ है इसका खाने का। और ये रूम कितने, मतलब ये अपार्टमेंट में दो रूम है, वन इज योर्स, द अदर वन इज द नेक्स्ट का है। किचन वहीं पर है बाहर, कॉमन है। किचन शेयरिंग है, सो द ओनली डिफरेंस इज दैट टू शेयरिंग में किचन और वॉशरूम छोटा होता है, फोर शेयरिंग में बड़ा होता है। ओके, ठीक है। सो अभी हॉस्टल के पीछे साइड आ गए, मैंने खिड़की खोल के वहां से दिखाया था एंड दिस वाज द एरिया। तो क्या बोल रहा है, इधर कायकिंग करती है पब्लिक? या दे डू। वहां पे देख रहे हो ये हमारे मतलब प्राइवेट बोट्स है, ऐसे मतलब स्टूडेंट हॉस्टल में ये पड़ा हुआ है बाय द वे। या एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्टूडेंट हॉस्टल का नहीं है ये, किसी ने, अच्छा किसी ने और ले लिया है, डोनेट किया होगा वो वाला है। तो वहां से हम यहां से लेके आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम हियर यू कैन गो रिवर राफ्टिंग, जो भी है लंदन, लंदन सीधा लंदन जाना। वो वहां पे प्राइवेट बोट्स भी है, तो यहाँ पे वो वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। सही है। और ये ओपन एरिया पार्क है, दिस इज ओपन एरिया। वो हम जो वहाँ से आ रहे थे, हाँ, तो वहाँ से वहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ से इट्स लाइक अ जॉगिंग पार्क, वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए। हाँ, यू कैन सी द पीपल ओवर देयर फेचिंग विद द प्लेइंग। या फिर वो हॉस्टल दिखा के अभी हम सिटी सेंटर में आ गए हैं। इसको ये जगह को क्या बोलते हैं? सिटी सेंटर, सिटी सेंटर ही बोलते हैं, स्टार्ट मीटर बोलते हैं। ओके, तो तुम लोग को कुछ भी चाहिए होता तो तुम लोग इधर ही आ जाते। अच्छा, सुपर मार्केट यहाँ है, तो अल्डी वहाँ पे, हाँ, इसके पीछे, और इसके पीछे कॉम्बी है। कॉम्बी करके कोई सुपर मार्केट है? हाँ, ये पहली बार सुना है मैंने भाई जर्मनी में। कॉम्बी एंड इवन म्यूलर, म्यूलर बता रहा हूँ। और यहाँ पे सबवे भी है, तो इंटरनेशनल का अगर कुछ चाहिए तो ये है यहाँ पे। और जो लोकल जैसे शॉप से, ये कैफे बार है, ये कुछ चलो। तो अभी ये क्या जगह है बोला तू? दिस इज अगेन द एक्सटेंशन ऑफ सिटी सेंटर, ये राट हाउस है, ये राट हाउस। अच्छा, ये तुम लोग का राट हाउस है क्या? ये शहर का म्युनिसिपैलिटी का मेन ऑफिस। ओके, यहाँ से आगे जैसे ये गोल्डन एडलर एक है, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे तो आर्मडेल्फ रहेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द प्लेस। ये जो बिल्डिंग बड़ी दिख रही है, हाँ? उसके कोने में बैठने के लिए भी है, बहुत अच्छा है। और ये हमारा स्पार्का जो बैंक, इधर ही सबका बैंक है, तुम लोग का भी बैंक अकाउंट इधर ही है। तो इस लेन में अगर अंदर से जाओगे, हाँ, तो आपको स्पार्का और टार्गो और सांतांदर बैंक तीनों का मिलेगा। ओके, एंड जैसे एशिया लेबर्स होटल ऑल्सो, तो वो शॉप में मोस्टली यू कैन गेट ग्रोसरी मिल जाता है, इंडियन ग्रोसरी काइंड ऑफ, दाल सिंगा
बेसिक मिल जाता है। हाँ हाँ, तुम लोग मसाला कहाँ से लेते हो? इंडियन मसाला हैमबर्ग जाके या ब्रेमेन? हैमबर्ग, हैनोवर, ब्रेमेन, ब्रेमेन में मिल जाता है। ब्रेमेन पास है ना। और सिटी रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ता है? वी विल गो इट फ्रॉम हियर। इधर सामने। तो ये वाली मेन बिल्डिंग से कितना दूरी पर रहेगा वो, जस्ट फॉर एन आइडिया? 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से जाके एक राइट लेना है अंदर लेन में। ठीक है चलो। ओके सो वो बीच वाले जगह से, बीच नहीं मतलब वो जो भी पानी वाला जगह था, उसके बाद अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं जो पीछे है। यहाँ पर आप दो मेन काम करवाते हो, एक तो सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो और दूसरा आपका वीजा एक्सटेंशन यहीं से होता है। अभी रिसेंट कौन गया था यहाँ पर, रिसेंट बंदा कौन गया था? क्या करने, रेसिडेंस परमिट? नहीं, सिटी रजिस्ट्रेशन मैं स्टूडेंट्स को लेके आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जो समर के लिए आए थे। तो एंट्री वहाँ से? एंट्री इधर है। और अपॉइंटमेंट का क्या सीन है? इधर ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या क्या वेबसाइट का नाम क्या है? startmden.de startmden.de वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेना है। डॉक्यूमेंट सब में फिजिकली यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, जो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है डब्बे पे। हाँ, ये डब्बे दिखाना पड़ेगा। हाँ, पासपोर्ट वगैरह दिखाने का यहाँ पे वेरीफाई यहाँ करता है फिर अंदर भेजता है। डॉक्यूमेंट हमने फिजिकल उसके लिस्ट से हमने चेकलिस्ट में लगा दिए। ठीक है, और फिर तब हमें यहाँ पे आने, ये वाले डब्बे पे दिखाना है। यहाँ पर कोई पर्सन बैठा होगा, उसको हमें हैंड ओवर करने हैं डॉक्यूमेंट्स। वो फिर हमें बोलेगा चलो चले जाओ तुम, वो देंगे इनको अंदर ऑफिस में देंगे, वो अंदर यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे। देन हमें एटलीस्ट 1 वीक बाद हमें मेल आएगा कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है 1 मंथ बाद। ये जो प्रोसेस है वीजा एक्सटेंशन का है। सिटी रजिस्ट्रेशन बताओ पहले, सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए है। तुम अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो मेल होता है, वो यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, इस डब्बे पे आफ्टर दैट दे लेट यू इन। तो वहाँ पे जाना है, वो ग्राउंड फ्लोर पे जो दो लेडीज है वहाँ पे, वो तुम लोग को एक वेटिंग नंबर देती है। आफ्टर वेटिंग नंबर जो कम इनसाइड है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो यहाँ पे आने के बाद, तो वेटिंग पीरियड में जब हम लोग वेट कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे चेंज करते पूरा अपना डिटेल्स, और फिर अपना जो वहाँ पे जाने के बाद आरपी कार्ड होता है वहाँ पे, वो अपडेटेड वाला वो स्लिप चिपका देते हैं। दैट इज हाउ यू सिटी रजिस्टर फॉर एवरी टाइम। वीजा एक्सटेंड करवाना हो, रिन्यू करवाना हो, कुछ करवाना, तो यही बिल्डिंग है। तो जब मैं अगर इंडिया से पहली बार उड़ के आऊंगा तो एक्सटेंशन के लिए यही आना है एज अ स्टूडेंट है। और उसका भी प्रोसेस वही है कि अपॉइंटमेंट लो, यहाँ आओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और फिर ये जो बता रहा था एक्सटेंड करना है, तो मैं करा के आया था। बट अभी जो लोग आ रहे हैं 2024 में, वो लोग सीधा 1 साल का वीजा लेके आ रहे हैं। आई थिंक कुछ तुम लोग यहाँ पर 6 महीने का या 3 महीने का लेके आ रहे हो, अब वो 1 साल का हो गया, अब सबको 1 साल का मिल रहा है। हाँ, ये लोग कितने स्ट्रिक्ट है, लोगों को ब्लॉक अकाउंट चाहिए हर साल के लिए। मतलब यहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास मैकडॉनल्ड्स का, उससे काम नहीं चलेगा कि चलेगा? पहले साल के लिए अकाउंट चाहिए। हाँ, बाद में आपका एक्सटेंशन के लिए पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। या फिर तुम्हारे इसमें जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें तुम्हारा लिक्विड एसेट कुछ होना चाहिए, या फिर ब्लॉक अकाउंट। तो तीनों में से एनी 4000 यूरो मैंने अभी एक्सटेंड कराया था। कितना दिखाया था? 4300 कुछ दिखाया था अकाउंट में, पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी था। ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टनेस ये है कि वो 1 साल का ही मोस्टली देते हैं, 2 साल का बहुत कम लोगों को मिलता है। वो एक केस है कि आपका अगर हमारा पेड कोर्स है उसके एक्सटेंशन को एक लिमिट है कि आप 2 सेमेस्टर ही खींच सकते हो। जैसे ये फ्री कोर्स है तो वो बहुत सेमेस्टर्स कर सकते हैं, तो शायद उनको 2 साल का मिलता है, हमारे केस में बहुत कम मिलता है, 1 साल का ही मिलता है कभी। इट वुड बी ग्रेट राइट, कि अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके आना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो 2 साल का पैसे का तैयारी करके आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब पे रिलाई करते हैं, बट या तो कोर्स बिजी रख सकता है आपको, या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है ही नहीं। आई थिंक यहाँ पर सीन है थोड़ा, वो होता है कि विंटर सीजन में मोस्टली जो है वो थोड़ा सा सो स्केयर एक प्रॉब्लम आ जाता है। समर में क्या होता है, यहाँ नौकरी नहीं है राइट पार्ट टाइम जॉब की। सो देयर इज लाइक एन अमेज़न में आ रहे हो तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। जैसे मेन जो है, जैसे इट्स अ पोर्ट सिटी, तो वहाँ पे पोर्ट पे लैशिंग करके एक जॉब है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत फिजिकल थोड़ा वो स्ट्रेस होता है। वहाँ पे लैंग्वेज का कोई सीन नहीं है। अमेज़न पे आप काम कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनेशनल वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप हो सकते हो। और एक जैसे रेस्टोरेंट्स में अगर काम करना है तो वहाँ थोड़ा जर्मन रिक्वायर्ड है। क्लीनिंग और हाउसकीपिंग में हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर इफ यू आर ऑन द फ्रंट देन आपको चाहिए। मतलब प्रॉब्लम इसकी वो भी आपको थोड़ा समर में ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि विंटर में सब बंद होता है ऑलमोस्ट। वर्क स्टूडेंट का एक और ऑप्शन है, फोक्सवैगन का एक प्लांट है, पर उधर भी जर्मन आना चाहिए। जर्मन आ गया तो डिसेंट पेड जॉब है। द बेस्ट वे फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट, लाइक
फर्स्ट सेमेस्टर में तुम आ गए हो, फर्स्ट फोकस ऑन द स्टडीज एंड अलॉन्ग विद दैट अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वर्किंग जॉब. लाइक पार्ट टाइम जॉब्स हियर इन एमडन लाइक दे आर नॉट दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज. स्टार्ट लुकिंग फॉर द स्टूडेंट वर्किंग जॉब्स फर्स्ट सेमेस्टर. तुम में से कोई काम कर भी है ना? कैंपस में काम कर रहे हो? स्टूडेंट असिस्टेंट. अभी काम एक्चुअली काम स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन मार्च एक से सब ऑन पेपर काम स्टार्ट हो गया. प्लान कर रहे हो जर्मनी आने का तो जर्मन सीखना स्टार्ट कर दो, वो ज्यादा अच्छा होगा. समझ गया मैं. चलो सही है. ओके गाइस चलो बाय बाय. टेक केयर ब्रो. सो अभी जा रहा हूं मैं हनोवर.